बॉस के घर की प्रॉपर्टी हुई डैमेज, किसने की तोड़फोड़, आखिरकार ये कैसे मचा है आतंक बिग बॉस के घर में, पूरी खबर की जानकारी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में फाइनली तोड़फोड़ मची है। बिग बॉस का घर जंग का मैदान बन चुका है। ऐसे में नियमों को उल्लंघन किया गया है बिग बॉस के घर के प्रॉपर्टी को डैमेज करने के साथ साथ। ऐसे में फिलहाल जैसा आप सभी को पता है कि मैप को लेकर जंग छिड़ गई है जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल के बीच, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी तू तू मैं होने लगी। जय ने काफ़ी गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रतीक सहजपाल का गुस्सा फूटा, जहां प्रतीक सहजपाल जय भानुशाली को मारना चाह रहे थे, लेकिन वो हेल्पलेस थे, वो मार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद निष्कासित हो जाते बिग बॉस के घर से। जिसके बाद जय भानुशाली के ऊपर गुस्सा निकालने की जगह प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस के घर के प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, यानी कि शीशे पर सीधे उन्होंने जोर से हाथ मारा, जिसके बाद शीशा चकनाचूर हो गया, टूट गया। ऐसे में आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना सा माहौल था, जहां पर प्रतीक सहजपाल का ये गुस्सा देखकर सभी के सभी कंटेस्टेंट्स काफ़ी शॉक रह गए। हालांकि अब आपको बता दूं कि प्रतीक ने जो तोड़फोड़ मचाई, इसका भुगतान बाकी जंगल वासियों को करना पड़ा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि निशांत, प्रतीक और शमिता जब तक घर के रास्ते नहीं बनेंगे तब तक नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, तब तक वो नॉमिनेशन से बचते रहेंगे। ऐसे में इसके तहत प्रॉपर्टी डैमेज करने की वजह से, यानी प्रतीक ने जो प्रॉपर्टी डैमेज की, उसका भुगतान जंगल वासियों को करना पड़ा, सभी के सभी हो गए नॉमिनेटेड। ऐसे में सीधे नॉमिनेशन जोन में पहुँच गए हैं जंगल के सभी खिलाड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट हो जाएगा पहले ही हफ्ते में घर से बेघर। वेल गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप प्रतीक सहजपाल की इस गलती की, जो भुगतान जंगल वासियों को करना पड़ रहा है, इस पर आपके क्या है रिएक्शंस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।